Okay, good afternoon students. Once again, now I'm going to continue with I'm searching for your ebook. I think it has been closed. Wait, I'm going to open your ebook in front of you. Then we'll discuss. Inserting word art and giving borders to the document. Okay, in last video I have shown you how to insert picture, how to resize, how to move your picture, how to insert picture from shape art, and how to do the same actions like resizing, moving, options with it. Now I am going to show you how to insert or how to add word art. Okay, adding auto shapes. I have also told you how to insert or how to add auto shapes in your document. Now how to add word art. First we need to understand what is word art. Word art is a text styling feature offered by MS Word. Text styling feature. अभी text styling feature का क्या मतलब हुआ? आपके text को style करके decorative way में दे देना. इसके कुछ formats पहले से Word MS Word आपको offer करता है. So you can choose and add word art to your document. Here it is also written in your book that you can add word art to your document to display a decorative title or draw attention towards important information. In Word 2010, word art has been updated with new colorful art effects. देखिए इस तरह के दिए हुआ, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा. First, if you want to decorate a particular fraction of the text or part of the text that you have already typed in your document, सेलेक्ट दैट टेक्स्ट. इसीलिए आपको सिलेक्शन पहले बताया जाता है टेक्स्ट का, क्योंकि सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. आफ्टर दैट क्लिक ऑन वर्ड आर्ट ऑप्शन. इंसर्ट टैब में ही मिलेगा आपको वर्ड आर्ट ऑप्शन. एंड जैसे आप वर्ड आर्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे द लिस्ट विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू. क्लिक ऑन द स्टाइल यू वॉन्ट टू यूज. ओके, एंड जिस स्टाइल को आप चूज करेंगे उसी स्टाइल का वो टेक्स्ट हो जाएगा. नाउ एडिंग द बॉर्डर. चलिए सबसे पहले हम वर्ड आर्ट ऐड करके देख लेते हैं, उसके बाद एडिंग द बॉर्डर की बात करेंगे. अगेन मैं आपके सामने सेम डॉक्यूमेंट ओपन करने जा रहा हूँ. डिलीट कर रहा हूँ शेप को. नाउ आई वॉन्ट दिस टेक्स्ट टू बी स्टाइलाइज्ड. सो हाउ टू डू इट? गो ऑन इंसर्ट टैब, गो ऑन वर्ड आर्ट. हियर इट इज द ऑप्शन वर्ड आर्ट. क्लिक ऑन द वर्ड आर्ट एरो. ऑप्शन के एरो पे क्लिक करना है. जितने तरह का जो भी डिजाइन आपको चाहिए वो टाइप आप चूज कर सकते हैं. जैसे मुझे ये टाइप अच्छा लगा, वर्ड ये है सेल्फ अप्रेजल नाम से, इसको मैंने ओके किया. योर टेक्स्ट नाउ इज स्टाइलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ड आर्ट ऑप्शन गिवन अंडर द टैब इंसर्ट. यू कैन टेक एनी. जितने तरह के स्टाइल्स दिए हैं आप उतने स्टाइल्स ले सकते हैं. जितने तरह के स्टाइल्स दिए हैं आप उतने तरह के स्टाइल्स चूज कर सकते हैं. सो इस तरीके से आप वर्ड आर्ट ऐड कर सकते हैं. आफ्टर दैट इन योर बुक इट इज़ गिवन हाउ टू ऐड अ बॉर्डर. यू कैन ऐड अ बॉर्डर टू द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट टू ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन ऐड अ बॉर्डर टू द पैराग्राफ टू ब्रिंग अटेंशन टू द टेक्स्ट. हाउ टू डू इट? क्लिक ऑन एनी वेयर इन द टेक्स्ट और सेलेक्ट द टेक्स्ट टू विच यू वॉन्ट टू ऐड अ बॉर्डर. जितने पार्ट ऑफ द टेक्स्ट को आप बॉर्डर देना चाहते हैं या तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए. क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिबन. होम टैब पर क्लिक करना है. क्लिक ऑन डाउन एरो ऑफ बॉर्डर्स. यहाँ पे बॉर्डर्स दिए होते हैं, डाउन एरो ऑफ बॉर्डर्स. एंड फाइनली क्लिक ऑन बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन. जब आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देन अ डायलॉग बॉक्स विल अपेयर इन फ्रंट ऑफ यू. क्लिक ऑन द बॉर्डर्स टैब. आप बॉर्डर्स टैब पर जाइए एंड देन क्लिक हियर टू सेलेक्ट द टाइप ऑफ बॉर्डर विच यू वॉन्ट. जिस भी स्टाइल को आप
चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ क्लिक एट स्टाइल, स्टाइल अपने बॉडी पे स्टाइल करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। नाउ आई विल शो यू हाउ टू ऐड बॉर्डर्स टू द टेक्स्ट। जैसे मैं चाहता हूँ इतने पर्टिकुलर पोर्शन को बॉर्डर दूंगा, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया सबसे पहले होम टैब पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बॉर्डर्स इन सेटिंग ऑप्शन ढूंढना है। आप सिंपल एक राइट क्लिक करके भी ढूंढ सकते हो। वैसे देखिए यहाँ पे बटन दिया होता है बॉर्डर्स का, सिर्फ एक बॉटम बॉर्डर लेना चाहते हो तो आप सिर्फ बॉटम बॉर्डर क्लिक कर दो, बॉटम बॉर्डर आ गया। अभी मैं इसको अनडू कर रहा हूँ विद एक्सेस टूल बार से, और इतने तरह के ऑप्शंस हैं, इनसाइड वर्टिकल, इनसाइड हॉरिजॉन्टल, ऑल बॉर्डर्स। देखिए पूरा टेबल फॉर्म में आ गया, अंडू कर लेता हूँ इसको। जितने तरह के ऑप्शंस आप चूज़ करना चाहें, केवल आउटसाइड बॉर्डर भी चाहते हैं, नो बॉर्डर, नई बॉर्डर चाहिए आपको, व्यू ग्रिड लाइंस, बॉर्डर एंड सेटिंग। सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया बॉर्डर एंड सेटिंग। जब हम इसमें जाएंगे पहले इसको अंडू कर लेते हैं, तो हमने आउटसाइड बॉर्डर लिए थे। अब बॉर्डर एंड सेटिंग ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो हमें इतने तरह के ऑप्शंस मिलेंगे बॉर्डर के, किस तरह के लाइंस लेनी है आपने, डॉटेड लाइंस लेनी है, डबल लाइन लेनी है, थ्री लाइंस लेनी है। मैं डॉटेड लाइन लेता हूँ, ठीक है। इसका कितना विड्थ चाहिए, कितनी पतली या कितनी मोटी होनी चाहिए, मुझे इतनी मोटी चाहिए। ये देखिए साथ साथ में आपको प्रीव्यू शो करता रहेगा कैसा आपका दिखेगा, ठीक है। अभी ये बॉक्स में आ रहा है, अगर आप शेडो में लेना चाहें तो शेडो में आ जाएगा, थ्री डायमेंशनल लेना चाहें तो थ्री डायमेंशनल करके, ठीक है। देखिए उन्हीं शेड्स में, उन्हीं लाइन्स में आ गए। तो इस तरीके से आप अपने सिर्फ टेक्स्ट को जितने भी चाहो उसको बॉर्डर कर सकते हो, या पूरे पेज को भी बॉर्डर दे सकते हैं। सो नाउ आई हैव फिनिश्ड विद दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। टुडे फॉर प्रैक्टिस आई वॉन्ट टू गिव यू सम एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर, यू विल डू इट एंड राइट आंसर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, and I will check it and I will tell you which answer is correct and which answer is incorrect. Okay, now I'm going to close this window, watch this video carefully, and then we'll start questioning and answering. Okay.